हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू ऑवर ऑन करियर क्लासेज आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में तो सबसे पहले शुरू करते हैं थ्रस्ट के बेसिक डेफिनेशन से तो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर क्या होता है उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो सब हम लोग देखने वाले हैं तो थ्रस्ट इज़ नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर टू दर्फेस ठीक है कौन सा वर्ड हमें इसमें ध्यान रखना है पर पेंडिकुलर इज कॉल्ड थ्रस्ट ठीक है तो बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है थ्रस्ट का इट इज़ नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डिरेक्शन तो सपोज मैंने यहाँ पे देखो ये कैप रखा है इसे मैं अगर परपेंडिकुलर डिरेक्शन में कोई भी फोर्स लगाता हूँ तो वो क्या होगा थ्रस्ट होगा क्या होगा थ्रस्ट तो फोर्स एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डिरेक्शन इज नोन एज थ्रस्ट ठीक है ये एक टाइप का फोर्स ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सिर्फ अगर परपेंडिकुलर डिरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं और कोई भी डिरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो वो फोर्स ही होता है कोई पर्टिकुलर एंगल पे लगे तो ठीक है रिमेम्बर द वर्ड परपेंडिकुलर। इस पर ज्यादा आपको फोकस रहना है ठीक है इस इसके हम लोग प्रेशर के बारे में अब बात करते हैं तो थ्रस्ट का हम लोग पहले ऐसा यूनिट लिखना भूल गए तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन तो थ्रस्ट का भी ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब हम लोग नेल्स को वॉल के अंदर डालते हैं तब ठीक है तो हम लोग हैमरिंग करते हैं ना तो वो थ्रस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है परपेंडिकुलर डिरेक्शन ऑफ में फोर्स लगता है उसमें ठीक है तो आगे बढ़ते हैं प्रेशर प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ठीक है जो थ्रस्ट का इफेक्ट होगा जो फोर्स का इफेक्ट होगा कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर ठीक है बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है प्रेशर का तो फोर्स इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ठीक है ये देखो ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्रेशर बोलेंगे ठीक है तो प्रेशर का फार्मूला क्या होगा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया सिंपल सा है हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में थ्रस्ट डिनमिनेटर में लिखेंगे एरिया तो यह हमारा प्रेशर का फार्मूला बन गया अगर परपेंडिकुलर डिरेक्शन में नहीं लगता है फोर्स ठीक है थ्रस्ट अगर फोर्स अगर परपेंडिकुलर में नहीं लगता है तो प्रेशर को हम लोग फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया व्हेन इट इज़ नॉट एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डिरेक्शन देन वी कैन यूज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया ऐसा यूनिट क्या होगा प्रेशर का फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है सोचो थोड़ा सा न्यूटन राइट एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है और दूसरा हम पास्कल भी बोल सकते हैं ठीक है जे पास्कल एक फिजिसिस्ट था उसके नेम के ऊपर से हम लोग इसका पास्कल भी बोल सकते हैं बहुत ही आसान सा है प्रेशर तो आगे देखते हैं प्रेशर किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है कौन कौन से वैल्यूज़ के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है तो हम लोग डेफिनेशन से ही पता कर सकते हैं प्रेशर किसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा फोर्स अप्लाइड कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और दूसरा कितने एरिया के ऊपर वो अप्लाई हो रहा है ठीक है तो फर्स्ट इज प्रेशर अप्लाइड सेकेंड वन इज एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच फोर्स एक्ट्स ठीक है तो ये हो गया हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर काफ़ी इजी है ठीक है थ्रस्ट क्या होता है थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डिरेक्शन एंड प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया शॉर्ट में हमें याद रखना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं ठीक है देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सपोज ये कैप है कैप के ऊपर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ तो अगर ये फोर्स मेरा परपेंडिकुलर डिरेक्शन है देखो मैंने एरिया ज़्यादा कंसीडर कर लिया तो फोर्स मेरा क्या लगेगा कम लगेगा ठीक है और एरिया अगर कम यूज़ करूँगा तो फोर्स क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा तो वो हमने एग्ज़ाम्पल में देखा ठीक है तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है प्रेशर एंड थ्रस्ट